टीवी सीरियल्स में कई अभिनेत्रियां अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और पर्सनल लाइफ में शादी करके बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती हैं, जिसे देखकर लोग यही सोचते हैं कि काश हमारी लाइफ भी इन्हीं के जैसे होती तो हम भी इन्हीं की तरह काफी खुशी खुशी अपनी लाइफस्टाइल जीते। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है टीवी सीरियल में नजर आने वाली अभिनेत्रियां जहाँ शोज में काफी खुश नजर आती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि अभिनेत्रियां अपनी रियल लाइफ में एक बुरा वक्त देख चुकी हैं, जिससे गुजर चुकी हैं, जो भले ही अब अतीत बन गया हो, मगर उस अतीत की यादें आज भी उन अभिनेत्रियों की जिंदगी को सुकून से नहीं बल्कि बेचैनी से जोड़े रखती है। तो आइए एक एक करोनी मशहूर अभिनेत्रियों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से बुरे दौर से गुजर चुकी हैं। नंबर 1, दलजीत कौर। इस लिस्ट में सबसे पहले टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर का नाम शुमार होता है, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और अदायगी से लाखों करोड़ों दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं। मगर ये अपने पति शैलीन भनोट के द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी हैं। जी हाँ, बता दें, शादी के बाद से शैलीन इन्हें दहेज की वजह से काफी परेशान करने लगे थे। यहाँ तक कि उन्होंने इन्हें कई बार मारने की कोशिश भी की, जिस वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके शैलीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जिसके बाद दलजीत कौर ने उनसे तलाक ले लिया और आज अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। नंबर 2, दीपशिखा नागपाल। टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में मशहूर अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होता है, जो फिलहाल अभी सिंगल लाइफ जी रही हैं। मगर बता दे, इन्होंने अपने एक्स हस्बैंड केशव अरोड़ा पर साल 2015 में जबरदस्ती शारीरिक शोषण का मामला मुंबई पुलिस में दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने इनके पति के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे। नंबर 3, निशा रावल। टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस निशा रावल को भी उनके एक्स पति करण मेहरा ने इनके साथ घरेलू हिंसा के साथ साथ दहेज प्रथा के लिए मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया था। लेकिन बावजूद इसके, जब निशा रावल को पता चला कि इनके पति करण मेहरा का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो इन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, जिस वजह से करण मेहरा मारपीट जैसे घटिया काम करने लगे थे। इसी वजह से इन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया है। नंबर 4, रश्मि देसाई। अब बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस रश्मि देसाई की, जो पिछले काफी लंबे समय से सिंगल लाइफ बिता रही हैं, जिनके एक्स पति यानी कि नंदी संधू ने भी शादी के एक साल बाद इन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिससे काफी लंबे समय से टॉर्चर होने के बाद इन्होंने उनसे अपने सारे रिश्ते नाते हमेशा के लिए तोड़ लिए थे। नंबर 5, श्वेता तिवारी। अब बात करते हैं टीवी की पॉपुलर अभिनेत्री श्वेता तिवारी की, जो एक बार नहीं बल्कि दो बार घरेलू हिंसा का शिकार हो चुकी हैं, जहां पर इनके पहले पति राजा चौधरी ने इन्हें दहेज प्रथा के चक्कर में काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, जिसके बाद श्वेता तिवारी ने उनसे तलाक ले लिया। मगर बता दे, जब दूसरी बार इन्होंने डायरेक्टर अभिनव कोहली से शादी की, तो उनके द्वारा इनका शारीरिक शोषण किया गया, जिसकी वजह से इन्होंने पुलिस में केस दर्ज करवाया था। साथ ही साल 2013 में उनसे तलाक भी ले लिया। नंबर 6, श्रद्धा आर्या। इस लिस्ट के आखिरी कड़ी में टीवी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा श्रद्धा आर्या का नाम शुमार होता है, जिन्होंने हाल ही में नेवी ऑफिसर राहुल नागल के साथ शादी की है। मगर बता दे, इससे पहले एक्टर आलम मक्कर के द्वारा मानसिक तौर पर टॉर्चर हो चुकी है। जी हाँ, बता दे, आलम मक्कर ने इन्हें इनके एक्स बॉयफ्रेंड जयंत के लिए काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, जिससे परेशान होकर इन्होंने आलम मक्कर से अपने रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों का घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना सही लगता है या नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।